आंध्र प्रदेश की सत्ता जाने के बाद पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू अब गहरी मुश्किल में फंस गए हैं। आधी रात को नायडू के आशियाने पर जेसीबी मशीन चली और उनका घर तोड़ डाला गया। जी हां, आंध्र प्रदेश की सत्ता से विदाई के बाद चंद्रबाबू नायडू को मिल रही सहूलियतें कम होती जा रही हैं। एक तरफ जहां टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा में कटौती की गई है, तो वहीं बेटे नारा लोकेश को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा को भी हटा लिया गया है। और इन सबके बीच नायडू के शानदार आशियाने प्रज्ञा वेदिका को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। बिल्डिंग को तोड़ने के लिए एक जेसीबी मशीन, 6 ट्रक और 30 मजदूरों को लगाया गया है। हालांकि इस दौरान सियासी बवाल भी खूब मचा। नायडू के सैकड़ों समर्थक मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। उधर विदेश यात्रा से लौटने के बाद चंद्रबाबू नायडू फिलहाल प्रज्ञा वेदिका के बगल में स्थित अपने आवास में मौजूद हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जगन मोहन रेड्डी सरकार नायडू के आशियाने को तोड़ने का फैसला क्यों कर रही है। दरअसल इसका निर्माण नदी तट पर ग्रीन नियमों के खिलाफ हुआ है और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में टीडीपी की हार के बाद चंद्रबाबू नायडू ने 5 जून को नए सीएम को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें विपक्ष के नेता की हैसियत से उन्हें आवास आवंटित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन रेड्डी ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। इन सब के बीच विपक्ष ने इस कार्रवाई के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीडीपी नेता और विधान परिषद के सदस्य अशोक बाबू ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों ने नायडू के निजी सामानों को बाहर फेंका है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया कि परिसर को कब्जे में लेने के सरकार के निर्णय के बारे में पार्टी को बताया तक नहीं गया। प्रजा वेदिका को तोड़ने के आदेश पर प्रदेश के नगरपालिका मंत्री बोधसा सत्यनारायण ने तंज कसते हुए कहा था कि नायडू के साथ उसी तरह का बर्ताव किया जाएगा जिस तरह का बर्ताव जगन मोहन रेड्डी के साथ किया गया था जब वो नेता प्रतिपक्ष थे। साफ है कि सत्ता जाते ही नायडू की मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।